ओके, तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक पंजाबी बीट बनाएंगे जिसके अंदर हम ढोलक का यूज करेंगे और थोड़ा सा उसको अलग बनाने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है भाई लोग, मैं हूँ हमालय सीधे हिमालय से। म्यूजिक को लेकर अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी या कोई भी डाउट या फिर आप करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, सिंपल आप कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम या फिर आपको हमारे नंबर नीचे मिल जाएंगे, आप कर सकते हो हमें कॉल भी। तो चलो बढ़ते हैं अब अपने डॉग की तरफ। ओके जी, तो स्वागत है आप सबका एफ स्टूडियो में। ओके, तो आज हम जिस टाइप की बीट बनाएंगे उसका स्टाइल थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम टेम्पो रखेंगे 91। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर कॉर्ड। मैं यहाँ पर नेक्सस 4 का यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक पियानो का साउंड लिया है। इस पियानो के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और पियानो साउंड का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं बेस नोट का यूज करूंगा, पियानो के बेस नोट का। मैंने यहाँ पर डॉक्टर ड्रे के सैंपल पैक का यूज किया है। उस सैंपल पैक में से मैंने सिंथ का साउंड ऐड किया हुआ है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल गिटार का साउंड यूज कर रहा हूँ। जो ये इलेक्ट्रिकल गिटार का साउंड है ये काफी ज्यादा ग्रूव पैदा कर रहा है मेलोडी में। थोड़ा सा इसको पंजाबी फोक स्टाइल म्यूजिक बनाने के लिए जो कि मैं यहाँ पर यमला ढोलक का यूज करूंगा जो कि पंजाब के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर ढोलक है। ये काफी ज्यादा सही साउंड कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इस गाने के अंदर मैं ऐड करूंगा एक मैंडोलिन का साउंड। मैंडोलिन के लिए मैं यहाँ पर सैंपलिंग करूंगा, तो सबसे पहले एक सैंपल ढूंढते हैं। ये काफी ज्यादा सही साउंड कर रहा है। ओके, तो फिलहाल मेलोडी के अंदर हम सिर्फ इतने ही एलिमेंट का यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे ड्रम सेक्शंस की तरफ। ड्रम्स के अंदर सबसे पहले हम एक किक और स्नेयर का पैटर्न बनाते हैं। ओके, तो रिदम को और थोड़ा सा ग्रूव देने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं क्लोज हाई हैट का। तो जल्दी से यहाँ पर लगाते हैं क्लोज हाई हैट। क्लोज हाई हैट के पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पर मैं करूंगा 2 अलग अलग सैंपल का यूज। ओके, तो नेक्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ पर ऐड करूंगा 808 का साउंड जो कि मेरे लो एंड को फिल करेगा। जल्दी से लगाते हैं यहाँ पर अब 808 का साउंड। ओके, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ एक फ्लूट का साउंड। इस तरह के फ्लूट साउंड को बहुत पहले यूज किया जाता था और उस तरह का फ्लूट साउंड काफी ज्यादा गाने को यूनिक बनाता था। जल्दी से मैं उस साउंड को ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा सही साउंड कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक लीड साउंड बनाऊंगा। इस गाने के अंदर जिस तरह की लीड साउंड मैं बनाऊंगा, इस तरह की लीड साउंड आपने डॉक्टर ड्रे के गाने में सुनी होगी और बहुत सारे पंजाबी गानों में भी आपने सुनी होगी। मैं यहाँ पर सीरम का यूज करूंगा उस लीड साउंड को बनाने के लिए। ओके, तो मैंने सीरम के अंदर ये लीड साउंड बना के कंप्लीट कर लिए। तो जल्दी से मेलोडी बनाते हैं। अगर आप भी इसी तरह की साउंड डिजाइन अपने गानों के अंदर सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल आपको हमारे नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, आप हमें कर सकते हो कॉल या फिर आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डीएम। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इफेक्ट साउंड का यूज करते हैं।
मैंने यहाँ पर कुछ चांट साउंड का भी यूज किया है। ओके, तो फाइनली हमारा गाना बनके हो चुका है कंप्लीट। एक बार सुनते हैं हमने क्या बनाया है। मेल मौत नाल होने साडे अज नी, साडा जाने दा तरीका ए अलग नी, बेड़ा डब नाल लगा गड्डे अग नी, तू सारा पिंड शमशान बनाया, सद च चले पैर मुड़े, तेरी तोर कातलाना ने मराया, सद च चले पैर मुड़े। वीडियो को देखे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो आ गया पसंद तो जल्दी से आप कर दे इस पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारे इस चैनल को चेक। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक